हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, स्वागत स्वागत है है आपका आपका हमारे हमारे यूट्यूब यूट्यूब चैनल चैनल टेक्निकल टेक्निकल स्मार्ट स्मार्ट में। में दोस्तों, दोस्तों, ये ये रेडमी रेडमी का का फोन फोन है है और और मोबाइल इसमें में जो जो है है अचानक अचानक जो तेजी है से आपका अचानक इसका तेज टच बंद काम करना करना बंद बंद कर कर दिया दिया है है दोस्तों। दोस्तों, तो तो ये अचानक भी आपके आपके डिस्प्ले डिस्प्ले पे पे ग्राफिक ग्राफिक खराब खराब हो हो गया गया है है या या आपके आपके साथ साथ ऐसा ऐसा कभी कभी भी भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो हो गया गया है है या या आपके आपके साथ साथ ऐसा ऐसा कभी कभी भी भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो हो गया गया है है या या आपके आपके साथ साथ ऐसा ऐसा कभी कभी भी भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो हो गया गया है है या या आपके आपके देख देख लीजिए लीजिए अचानक अचानक हमारा हमारा जो जो है है टच टच काम काम करना करना बंद बंद कर कर दिया दिया है। है। तो तो ऐसा ऐसा अधिकतर अधिकतर प्रॉब्लम प्रॉब्लम उस उस फोन फोन में में आता आता है है जिसका जिसका डिस्प्ले डिस्प्ले चेंज चेंज होता होता है। है। उसमें उसमें अधिकतर अधिकतर ये ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम आता आता है है कि कि उसका उसका जो जो है है अचानक अचानक टच टच काम काम करना करना बंद बंद कर कर देता देता है है या या अचानक अचानक कभी 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 ऐसा ऐसा भी भी होता होता है है कि कि डिस्प्ले डिस्प्ले पे पे ग्राफिक ग्राफिक खराब खराब बंद बंद हो हो जाता जाता है। है। तो तो आपको आपको क्या क्या करना करना है है दोस्तों, दोस्तों, आपको आपको क्या क्या करना करना है है दोस्तों, दोस्तों, आपको आपको क्या क्या करना करना है है बंद बंद कर कर देता देता है। है। तो तो ऐसे ऐसे में में क्या क्या करना करना है, है, आपको आपको अपने अपने मोबाइल मोबाइल को को एक एक बार बार रिबूट रिबूट और और रिस्टार्ट रिस्टार्ट करके करके देख देख लेना लेना है। है। और और रिबूट रिबूट और और रिस्टार्ट रिस्टार्ट करने करने के के लिए लिए आपको आपको क्या क्या करना करना है, है, केवल केवल पावर पावर बटन बटन को को लगभग लगभग 10 10 से से 15 15 सेकंड सेकंड तक तक लगातार लगातार ग्राफिक ग्राफिक प्रेस प्रेस करके करके आपको आपको रखना रखना है। है। तो तो उसके उसके बाद बाद आपका आपका फोन फोन ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक रिबूट रिबूट और और रिस्टार्ट रिस्टार्ट हो हो जाएगा। जाएगा। उसके उसके बाद बाद आपके मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम यदि रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम, जैसे आपका टच काम करना बंद कर दिया या अचानक आपका डिस्प्ले पे ग्राफिक आना बंद हो गया या आपका माइक स्पीकर रिंगर काम करना बंद कर दिया, अचानक से मोबाइल में आपके कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो एक बार अपने फोन को रिबूट और रिस्टार्ट करके जरूर देख लीजिए। रिबूट और रिस्टार्ट करने में ताकि आपको कोई नए पैसा नए नहीं बिल लगता है। नोटिफिकेशन मिलते हो रहे सकता दोस्तों। है यहाँ इससे पे आपका हमारा फोन प्रॉब्लम ऑन सॉल्व होने हो जाए। वाला तो है, ये पहले हमारा जो है फोन थोड़ा स्टेटस टाइम नहीं में काम ऑन करता होने था। वाला है। उसके बाद हम अब चेक जो है करेंगे कि दोस्तों हमारे आपका फोन का जब फोन टच ऑफ काम हो करता जाएगा है या और नहीं यहाँ पे करता हम है। चेक तो पहले करेंगे कि हमारे हमारा फोन फोन का का जो टच टच नहीं काम काम करता करता है था या या नहीं नहीं करता करता था। है। तो अब यहाँ पे आपको देखिए दिखा रहे हमारा हैं, यहाँ फोन पे देख ऑन हो लीजिए गया हमारे और फोन यहाँ का पे है हमारा जो फोन है टच टच काम काम करना करना शुरू शुरू कर कर दिया दिया है। है। तो तो इस इस तरीके तरीके से से आप आप अपने अपने फोन फोन को को एक एक बार बार रिबूट रिबूट और और रिस्टार्ट रिस्टार्ट करके करके जरूर जरूर देख देख लीजिए लीजिए दोस्तों। दोस्तों, और और आपको आपको ये ये वीडियो वीडियो से से आपका आपका प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व हो हो जाता जाता है। है। तो तो कमेंट कमेंट करके करके जरूर जरूर बताइए, बताइए, चैनल चैनल पर पर नए नए हैं हैं तो तो चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर कर लीजिए, लीजिए, वीडियो वीडियो को को लाइक लाइक कीजिए। कीजिए। मिलते मिलते हैं हैं कि कि अगले अगले वीडियो वीडियो के के साथ। साथ तब तब तक तक के के लिए लिए दोस्तों, दोस्तों, जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। भारत। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते मिलते हैं हैं कि कि अगले अगले वीडियो वीडियो के के साथ। साथ तब तक तक के के लिए लिए दोस्तों, दोस्तों, जय जय हिंद। हिंद।